26 अप्रैल को देश भर में लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में जम्मू पार्लियामेंट्री खित्ते से करीब करीब 18 लाख वोटर्स अपने पसंदीदा नेता की किस्मत का फैसला ईवीएम में लॉक करने जा रहे हैं। उससे वो ये भी साफ करने जा रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर यानी कि पार्लियामेंट में वो किस नेता को चुन के भेजेंगे। हालांकि रिजल्ट 4 जून को आएंगे, पर करीब करीब परिस्थितियाँ उस दिन क्लियर हो जाएंगी। अभी तक इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को पिछले 10 सालों से भाजपा के सीनियर नेता जुगल किशोर शर्मा रिप्रेजेंट करते आए हैं, और उनसे पूर्व इतने ही टेन्योर के लिए 2 बार कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्वर्गीय मदनलाल शर्मा जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इस बार 22 कैंडिडेट जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, और उन 22 में से एक कैंडिडेट अंकुर शर्मा जी भी हैं, जो एकम सनातन भारत दल को रिप्रेजेंट करते हैं और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अंकुर शर्मा पेशे से एक वकील हैं और जम्मू के मसलों पे खुल के अपनी राय रखते आए हैं, और जम्मू के लिए उन्होंने कई संघर्ष भी किए हैं, कई लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। नमस्कार, मेरा नाम विवेक माथुर है और मैं एक्सेलशर के एक खास प्रोग्राम नो योर कैंडिडेट में आपका स्वागत करता हूँ। अंकुर जी का भी मैं इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। स्वागत है अंकुर जी। धन्यवाद। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे शुरू करें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने आपको एक सिंबल एलोकेट किया है, बांसुरी। सो व्हाट डिफरेंस दिस सिंबल इज गोइंग टू मेक इन योर कैनवेसिंग अक्रॉस इंडिया एंड J&K इन पर्टिकुलर? देखिए, बांसुरी बदलाव को रिप्रेजेंट करती है जी। बांसुरी सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण का एक प्रतिबिंब है, उसका एक प्रतीक है। और एकम सनातन भारत दल ने शुरू में ये कहा कि एकम सनातन भारत दल का असल उद्देश्य सनातन संस्कृति सभ्यता का सशक्तिकरण और जम्मू कश्मीर के संबंध में जम्मू संभाग का सशक्तिकरण रहेगा। तो बांसुरी बदलाव और सनातन संस्कृति के सशक्तिकरण का प्रतीक है, और यही एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है इस सिंबल का बाकी सिंबल्स। राइट। एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहेंगे, चूँकि आप पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे हैं पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी पर, बहुत बड़ी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत ज़्यादा वोटर्स भी हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लड़ रहे हैं, तो आपके मुद्दे बहुत अहम रहते हैं पब्लिक के लिए, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सत्ता का केंद्र कश्मीर से छीन के जम्मू में स्थापित हो, जम्मू संभाग में राष्ट्रवादी समाज जो है वो विजावी अलगाववादी समाज के और मजबूत हो, जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में जो पिछले 75 वर्षों से एक गुलामी का आलम चल रहा है कि दिल्ली की मदद से कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने जम्मू को अपनी कॉलोनी की तरह चलाया है, उस गुलामी का अंत करना हमारे मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। नीति के स्तर पे जिस तरीके से दिल्ली और कश्मीर की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने जम्मू को सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रिड्यूस किया है, उस सेकेंड ऑर्डर स्टेटस को खत्म करना हमारा एक परम उद्देश्य रहेगा, ताकि फिर जम्मू संभाग के लोगों की नौकरियों की समस्याएँ, डेवलपमेंट की समस्याएँ और जो डिस्क्रिमिनेशन जो पिछले 75 वर्षों में हर फील्ड में जम्मू संभाग फेस कर रहा है उसका अंत हो, जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और सनातन संस्कृति के जितने भी, चाहे वहाँ पे गौ माता का संरक्षण हो, चाहे हमारी ज़मीनों को बचाने का काम हो जो गैर कानूनी ढंग से यहाँ पे कब्जे करवाए जा रहे हैं एक समुदाय विशेष द्वारा, ये प्रमुख मुद्दों में से एक मुद्दा रहेगा। और हमने पहले भी कहा कि अल्टीमेटली जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाना और कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ एक रीऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करवाना हमारे परम उद्देश्यों में से एक है। कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़, एक हिस्सा विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड जो नरसंहार के विक्टिम्स हैं, जिनको 90 के दशक में नरसंहार करके वहाँ से निष्कासित कर दिया गया था, एक्सक्लूसिवली उनके लिए सेटअप करना हमारी मुख्य डिमांड्स में से या एजेंडा में से एक एजेंडा है। तो आपको लगता है सिर्फ आप पार्लियामेंट में चुन के चले जाते हैं तो ये सब संभव हो पाएगा? कोई रोड मैप उसके अलावा भी आपके पास है? देखिए, आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बन चुका है। 30 के करीब कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने निकाल दी है, आज ही गुजरात के 4 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली है, 6ठी लिस्ट थी, इससे पहले 5 लिस्ट्स में हमने अराउंड 24-25 के करीब कैंडिडेट्स जो हैं वो नोटिफाई किए। और साथ ही साथ एकम सनातन भारत दल, जिसे आप पहले एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, पिछले 10-11 वर्षों से जम्मू संभाग में रह के काम कर रहा है, तो विधानसभा में भी एकम सनातन भारत दल अपने कैंडिडेट्स खड़े करेगा और पार्लियामेंट में भी जाके पूरे राष्ट्र को ये संदेश देगा कि देखिए किस तरीके से भारत की राजसत्ता ने जम्मू कश्मीर में जम्मू के राष्ट्रवादी समाज को, कश्मीर का जो एक अलगाववादी प्रवृत्ति का समाज है उसका गुलाम बना दिया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू की लिबरेशन और एम्पावरमेंट का रास्ता पार्लियामेंट से जाके ही निकलेगा, क्योंकि अगर आप जब बीजेपी के MP चुनते हैं वो बीजेपी की बात करता है, कांग्रेस के MP चुनते हैं जम्मू संभाग से वो कांग्रेस की बात करता है, और भारत सरकार की नीति के चलते पार्टी कोई भी हो केंद्र में,
प्रधानमंत्री कोई भी हो केंद्र में, कश्मीर को ही लोकतंत्र का चेहरा बनाना, कश्मीर के हाथ में ही सत्ता की कमान सौंपना, कश्मीर की ही बात करना, यही प्रवृत्ति रहती है। तो भाजपा का एमपी हमारा नुमाइंदा होने के बावजूद भी जम्मू संभाग के लोगों की बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसकी पार्टी की जो नीति है उसमें पहले कश्मीर आता है। तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था को ख़त्म करने का रास्ता सीधे पार्लियामेंट से ही गुजरता है। पार्लियामेंट के माध्यम से ही पूरे राष्ट्र को इस परिस्थिति के बारे में अवगत करवा के हम जम्मू कश्मीर में चेंज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जहाँ जम्मू ड्राइविंग सीट में आएगा, जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर होगा और अदरवाइज भी राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे इस्लामिक सेपरेटिज्म और इस्लामिक जिहाद और अलगाववाद एक असल समस्या है, टारगेटेड किलिंग्स एक आपके सामने एक विजिबल रियलिटी है, वहाँ पे राष्ट्रवादी समाज को ही मजबूत किया जाए, नेशनलिस्ट खित्ते को ही मजबूत किया जाए। आपने विधानसभा चुनावों की भी बात की कि आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं या जो जर्नलिस्टिक सर्कल्स हैं वो ये मानते हैं कि अंकुर शर्मा चुनाव तो लड़ रहे हैं पर उनके सामने चेहरे बहुत बड़े बड़े हैं, बीजेपी के पास अपनी एक स्टार कैनवेसर्स की लिस्ट है, कांग्रेस के पास अपने स्टार कैंपेनर्स हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं जो चुनाव में उतरे हैं, तो अंकुर शर्मा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की ही तैयारियां कर रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कि 18 में से किस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा ज़्यादा पावर है, मेरा ज़्यादा रसूख है, वही पता करने के लिए वो चुनाव मैदान में उतरे हैं। आप जानते हैं कि 10 वर्षों में जिस तरीके की ह्यूमिलिएशन जम्मू संभाग ने फेस की है, जम्मू संभाग का एक एक व्यक्ति इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि अब बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू संभाग के लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे, इसलिए चाहे वो चेहरे कितने भी बड़े हों। अंकुर शर्मा एकम सनातन भारत दल के साथ जम्मू संभाग के लोगों का समर्थन है और आप जानते हैं कि जनता का समर्थन जिसके साथ होता है, जिसके पास होता है, जिसके संग होता है, वही आगे बढ़ता है। ये जो बड़े बड़े चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे इसीलिए हैं क्योंकि लोगों ने पिछले 10 वर्षों तक इन्हें अपना नुमाइंदा बना के रखा, इसलिए बड़े चेहरे ही रहे। इन्हीं बड़े चेहरे और इन्हीं स्थापित नेताओं से तो जनता परेशान है। जब हम चेंज की बात करते हैं, हम किसे हटाने की बात करते हैं? एक बड़ा व्यक्ति, एक स्थापित व्यक्ति जो ऑलरेडी हमारा नेता रह चुका है, उसे ही तो हटाने की बात करते हैं। बदलाव में नए चेहरों को लाने की बात करते हैं। तो इस बदलाव की घड़ी में नए चेहरे के रूप में मैं एकम सनातन भारत दल आपके सामने हूँ। तो मुझे लगता है कि इस नीति में बदलाव लाने के लिए, इस नीति को ध्वस्त करने के लिए, जम्मू की एम्पावरमेंट के लिए, नेशनलिस्ट समाज की एम्पावरमेंट के लिए चुनाव लड़ना अनिवार्य था क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति के माध्यम के अलावा नीतियों में परिवर्तन करवाने का दूसरा और कोई तरीका नहीं होता। भाजपा का एमपी ये लड़ाई नहीं लड़ सकता, कांग्रेस का एमपी ये लड़ाई नहीं लड़ सकता क्योंकि भारत की जो पूरी व्यवस्था है, जो भारत की राज्य सत्ता है, स्टेट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी पैराडाइम है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसे कांग्रेस ने भी अडॉप्ट और परपेचुएट किया और बीजेपी ने भी 2014 के बाद अडॉप्ट करके उसे फर्दर परपेचुएट किया। आपने कश्मीर सेंट्रिक कहा कि पार्टीज जो है उनकी हेजिमनी रही है, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज इस बार भी जो चुनाव लड़ रही हैं उनका मेन मुद्दा रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? एकम सनातन भारत दल का बहुत साफ स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन की जानी चाहिए, जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाना चाहिए और कश्मीर को दो हिस्सों में तोड़ा जाना चाहिए। जम्मू शुड बी अ सेपरेट स्टेट और सेपरेट स्टेट पाने के लिए एकम सनातन भारत दल लगातार संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करता रहेगा। डिलिमिटेशन के पश्चात कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काफ़ी सारी चेंजेज आई हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चेंज करी गई, उसमें पहले राजौरी के कुछ एरियाज थे, हालांकि अभी भी कुछ एरियाज हैं, पुंछ का एक बहुत बड़ा सेगमेंट था उसे अब अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाल दिया है और उधमपुर के कुछ एरियाज आपकी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डाल दिए हैं, तो आपको लगता है इससे कोई मेजर चेंजेस या कोई मेजर फ़ायदा आपको होने वाला है, आपकी पार्टी को होने वाला है? देखिए, फायदे से अधिक हमें यह समझने की ज़रूरत है कि 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद डिलिमिटेशन एक ऐसा मौका था जब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी समाज को पॉलिटिकली एम्पावर किया जा सकता था, जब कश्मीर को सत्ता का केंद्र खत्म करके जम्मू में सत्ता का केंद्र स्थापित किया जा सकता था। और आप ये जानते हैं, आपने कवर भी किया है एक्सेलसियर ने, कई बार हमने एविडेंसेस प्रोड्यूस किए पूरे समाज के सामने, नेशनल मीडिया में भी, और आपने भी कवर किया कि 2011 का सेंसस, उससे पहले 2001 का सेंसस जम्मू कश्मीर में जो हुआ है वो फ्रॉड और फज्ड है। उसमें हिंदू पॉपुलेशन को गलत तरीके से कागजों में कम कर दिया गया है ताकि सत्ता की कमान और लोकतंत्र का चेहरा कश्मीर और कश्मीरी मुसलमान ही रहे। ये एविडेंसेस सामने आने के बाद भाजपा और कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑफिशियल तौर पर यह माना कि वाकई ये बात सच है कि 2011 के सेंसस में जम्मू के साथ बहुत अन्याय हुआ है, एंटी जम्मू, एंटी हिंदू सिख ये सेंसस है, और हमने ये डिमांड की कि आपको 2011 के सेंसस के आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन नहीं करवानी चाहिए, आपको 2021 के आधार पर करवानी चाहिए। और एविडेंस प्रोड्यूस किया डेटा के आधार पे कि अगर 2021 के सेंसिस को आधार बना के आप जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करवाते हैं तो जम्मू संभाग को, जम्मू के 10 जिलों को 50 एमएलए सीट्स मिलेंगी आउट ऑफ द 90 सीट्स और कश्मीर को केवल 40 मिलेंगी। तो सत्ता का केंद्र कश्मीर से हटके जम्मू में स्थापित होने की एक संभावना होगी।
सब चीज़ों को मानने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने 1947 की जो नेहरूवियन पॉलिसी पैराडाइम थी कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का चेहरा और सत्ता की कमान कश्मीरी मुसलमान को ही सौंप के जम्मू कश्मीर के अफेयर्स को चलाना है, उसके चलते झूठ को आधार बना के डेमोक्रेसी की फाउंडेशन 2011 के फ्रॉड और फज्ड सेंसिस के आधार पर यहाँ पे लेआउट की और अनफॉर्चुनेटली जम्मू संभाग को 43 सीट्स दे के, कश्मीर को 47 सीट्स दे के पुनः जम्मू को कश्मीर का गुलाम बना दिया। आप भी ये जानते हैं कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू खित्ते के डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और बीच के कुछ एरिया से कुल मिला के एटलीस्ट 10 के करीब सीट्स लेती है। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन भारत सरकार ने पोस्ट एब्रोगेशन ये की है कि 90 में से 57 सीट्स कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के पास हैं और जम्मू के पास 30, 32, 33 सीट्स हैं। तो आप जानते हैं कि जम्मू की गुलामी को फर्दर परपेचुएट करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो एक आध एक्टिविटी हुई, उस पर कार्रवाई भी की बीजेपी ने। तो देखिए, जो कार्रवाई है वो केवल वायलेंस मैनेजमेंट की है। मान लीजिए कोई हमला हो जाता है तो आप काउंटर हमला करके उन आतंकियों को मार देंगे। मैं एक ब्रॉडर स्तर पर बात कर रहा हूँ कि आप अलगाववाद की मूवमेंट को जम्मू में भी एक्सटेंड करवा रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक बीजेपी इज डूइंग दिस? बीजेपी को क्या फायदा होगा इन सब चीजों से? फायदा नुकसान, उन्होंने तो अपने कैंडिडेट भी नहीं उतारे कश्मीर। फायदा नुकसान की बात नहीं है, बात एक सबवर्जन की है। भारत की राजसत्ता को अंदर से इस तरीके से कब्जा किया गया है कि ये दुश्मन के एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम करती है। आप मुझे बताइए कि बीजेपी को रसाना केस में सीबीआई इंक्वायरी ना करवा के फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी पूरा 10 का 10 जिले और एक एक व्यक्ति सीबीआई की जांच कर रहा था, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति पर प्रहार हो रहा था। हमारे हिंदू देवस्थान जो हैं, मंदिर हैं, मठ है, हमारे कुलदेवता हैं बाबा कालीवीर जी हैं, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कैंपेन पूरी दुनिया में इन्होंने चलाया। उस समय जब जम्मू संभाग के लोग अपने नुमाइंदों को ये कह रहे थे कि आप हमारे लिए सीबीआई जांच की मांग कीजिए और केंद्र सरकार को कह रहे थे कि सीबीआई जांच करवाइए, तो मुझे बताइए कि सीबीआई जांच ना करवा के भाजपा को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? समय भाजपा के पास मौका था जम्मू को 50 सीटें देने का 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवा के। भाजपा ने कॉन्शियसली चूज किया कि जम्मू को हम 43 पर रिड्यूस करेंगे, कश्मीर को 47 और प्रैक्टिकली कश्मीर को 57 पे हम इंक्रीज करेंगे और जम्मू संभाग को 32-33 पे हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वही नेहरूवियन पॉलिसी पैराडाइम जम्मू कश्मीर में चलानी है। हम जम्मू के स्वाभिमान, जम्मू की एम्पावरमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं और जम्मू के सामने जो सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के मुद्दे बन पड़े हैं उसके लिए संघर्ष करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अब हम ये कैलकुलेशंस नहीं कर सकते कि पहले कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ें कि पहले एमपी का चुनाव लड़ें, पहले विधायकी का चुनाव लड़ें या सांसदी का चुनाव लड़ें। एक प्रक्रिया सामने आई है, हमें लगता है कि दिल्ली जाके ही, दिल्ली के माध्यम से ही, पार्लियामेंट के माध्यम से ही राष्ट्र को ये तमाम मुद्दों के बारे में जानकारी देके ही हम भारत की राजसत्ता को मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी पॉलिसी पैराडाइम जम्मू कश्मीर पर बदले और यहाँ पर राष्ट्रवादी समाज को मजबूत करे। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये सोचती है कि अंकुर शर्मा अक्सर उनके खिलाफ बोलते हैं और हमने भी कई सारे इंटरव्यूज में या अभी भी देख रहे हैं कि आप उनके खिलाफ बोलते भी हैं, वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, वोटिंग भी करेंगे आपके लिए, आपको उनके वोट नहीं चाहिए? तो देखिए, कांग्रेस की नीति मुस्लिम तुष्टिकरण की रही है और भाजपा ने उस नीति को आगे बढ़ा के ग्रेजुएट करके उस पर उसे संतुष्टिकरण और तृप्तिकरण की संज्ञा दी है। मुझे लगता है कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं आया। आज जम्मू संभाग में रहते हुए राष्ट्र, सनातन संस्कृति, जम्मू संभाग के लोगों के सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस से संबंधित जो इश्यूज हैं उन पे हम राजनीति कर रहे हैं। हम सत्ता के गलियारों में जाके नीतियों में बदलाव की राजनीति कर रहे हैं और हमने हमेशा ये कहा कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इंडॉक्ट्रिनेशन की जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारें इसे बढ़ोतरी यहाँ पे देती हैं। आपके इसी स्टैंस की वजह से कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अंकुर शर्मा जो है वो बीजेपी से भी बड़े एक हार्ड लाइनर हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इन फ्यूचर कभी ना कभी बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कोई और ऐसी पार्टी ज्वाइन करेंगे जो इससे भी ज़्यादा हार्डलाइन वाली एक सोच को सपोर्ट करते हैं। विल यू एवर ज्वाइन बीजेपी? देखिए, हमने सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एकजुट जम्मू बनाई और एकजुट जम्मू को जो सहयोग मिला और पूरे भारतवर्ष से जो प्रेम मिला, क्योंकि हम सनातन की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे थे, जम्मू संभाग में राष्ट्रवादी समाज की एम्पावरमेंट की लड़ाई यहाँ पे हम लड़ रहे थे, जो कानून सनातन सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पे लेजिस्लेट हुए 6 वर्ष के संघर्ष में, उन कानूनों को हमने बिना सत्ता की पावर के सिंगल हैंडेडली खत्म करवा दिया। मुख्यमंत्री से लेकर जितनी भी सरकार के मंत्री हैं उन पर कार्रवाई करवाई, उनसे लड़ाई ली। आप जानते हैं 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर। इसीलिए मुझे लगता है कि जो ग्रेजुएट करके हम सब रीजनल पॉलिटिकल पार्टी से आज एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरफ गए और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन ने हमें सिंबल भी दिया और 100 के करीब हम एमपीज भी खड़ा करेंगे। टारगेट हमारा बड़ा था लेकिन इस समय 100 के करीब हम पहुंच जाएंगे। आज हम 30-35 एमपीज खड़े कर चुके हैं, तो कोई परिस्थिति नहीं बनती है कि हम किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को बने। मुझे लगता है कि एकम सनातन भारत दल ही भविष्य है, ये एक ऐसा आइडिया है जिसका समय आ गया है। और आपने कहा कि भाजपा हिंदुत्व की बात करती है, मुझे लगता है कि अब लोग ये जान चुके हैं कि भाजपा तृप्तिकरण और संतुष्टिकरण की जो इनकी नीति है उसको अडॉप्ट करके आज कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति से भी कई कदम आगे बढ़ गई है और कांग्रेस और भाजपा एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। पॉलिटिकल करेक्टनेस के चलते, नेशनल इंटरेस्ट से भाजपा ने क्या इंप्लीमेंट किया? जब मैं सचर कमेटी रिकमेंडेशन की बात करता हूँ, अगर मुसलमान का बच्चा चाहता है उसे IAS IPS बनना है
तो उसकी कोचिंग का, रहने का, खाने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी। देखिए धर्म को आधार बना के धर्म की राजनीति जिस तरीके से कांग्रेस ने की है उसी तरीके वो इसके पीछे एक सोच ये बताते हैं कि वंचित है ये समाज, इसको थोड़ा एम्पावर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए यही सबसे बड़ी समस्या है कि धर्म के आधार पर जब आप वंचितों की शिनाख्त करते हैं तो उसे ही कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। संविधान के अंदर जो बराबरी का हक डिनाई करने वाले भी कुछ अनुच्छेद हैं, हम उन्हें भी बदलेंगे ताकि तमाम नागरिक जो हैं वो बराबरी के हक के साथ ही आगे बढ़ पाएं। लास्ट में अब इससे थोड़ा हटके एक सवाल आपसे पूछते हैं कि कितना वोटर टर्नआउट एक्सपेक्ट करते हैं आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस बार? देखिए मुझे लगता है कि हमेशा से जो डेटा है वो यही रहा है कि 65-75% वोट जो है वो रहता है, और मुझे लगता है कि इस बार भी इतना ही रहेगा। क्योंकि देखिए भाजपा ने जिस तरीके से बिट्रे किया है अपनी कंस्टिट्यूएंसी को, हमने बहुत सारी बात की कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है दे दीजिए वो भी नहीं दे रहे हैं। रसाना और आप तमाम चीज़ें आपको याद हैं, अभी भी 90% नौकरियाँ जम्मू कश्मीर में कश्मीर खत्ते को ही दी जाती हैं, सारा खर्चा वहीं पर किया जाता है, तरक्की वहीं की जाती है। तो इस कारण से हो सकता है कि वोटर टर्नआउट थोड़ा कम हो, लेकिन एक विकल्प के रूप में अब एकजुट जम्मू जो नया अब एकम सनातन भारत दल के नाम से जाना जाता है वो आया है, और जहाँ जहाँ हम लोगों के पास जा रहे हैं पूरी हमें उम्मीद है कि लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। और वो लोग जो निर्णय कर चुके थे घर बैठ के वोट ना देने का, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमने प्रेरित किया है कि आप वोट दीजिए, जम्मू संभाग के सशक्तिकरण के लिए वोट दीजिए, सनातन संस्कृति के सशक्तिकरण के लिए वोट दीजिए, पार्टी का संकल्प गौ माता का संरक्षण है, गौ माता के संरक्षण के लिए वोट दीजिए, क्योंकि गौ माता का संरक्षण ही सनातन के संरक्षण का मूल स्तंभ है। इसीलिए आपके माध्यम से भी मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि बांसुरी चुनाव चिन्ह पर बटन दबा के इस बार बदलाव के लिए वोट दीजिए, इस बार जम्मू के लिए वोट दीजिए, एकम सनातन भारत दल एडवोकेट अंकुर शर्मा के लिए वोट दीजिए, ताकि जम्मू सशक्त हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, गौ माता का संरक्षण हो, सनातन संस्कृति जिस तरीके से कश्मीर में हिंदू नरसंहार करके लुप्त कर दी गई वो लुप्त जम्मू संभाग में ना हो, उसके लिए वोट दीजिए। तो जैसे कि हमने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि अंकुर जी अपनी बात को बहुत मुखरता से, बहुत सीधे साधे शब्दों में कह देते हैं, वो बात को घुमाते नहीं हैं, उसी तरीके से आपने देखा उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस से कोई भिन्न नहीं है, वो उसी सोच को परपेचुएट करती है जो सोच कांग्रेस की रही है, उसी सोच को परपेचुएट करके कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ को अपीज करने के लिए वो देश भर में सियासत कर रही है। ये थे अंकुर शर्मा, ऐसा ही एक प्रोग्राम लेके फिर हम हाजिर होंगे, एक नया चेहरा लेके हाजिर होंगे। अंकुर शर्मा जी को हम धन्यवाद कहना चाहते हैं, इन्होंने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक जुड़े रहिए एक्सेलशियर के साथ, धन्यवाद।